बिटिया कुसुम नाम है। हाँ कुसुम नाम है। अच्छा कुसुम नाम है। साक्षी आपकी क्या थी? चाची की लड़की थी मेरी। हाँ चाची की लड़की थी। हाँ जी सर। साक्षी थी, साक्षी की उम्र कितना थी? अभी हाई स्कूल पास की थी ना? 16 साल की थी। अच्छा 16 साल की। हाँ जी सर। एक नाबालिग लड़की, आपको बता दे 16 साल की उम्र में उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती। फोन से सूचना मिली कि बहन की 5 बजे 29 तारीख को आप लोगों को सूचना मिली कि बहन की हत्या कर दी गई। हाँ जी सर। शासन प्रशासन से मांग क्या है, क्या चाहती हैं आप? हम तो फांसी की सजा चाहते हैं सर। जैसे वो मरी है वैसे भी जान के बदले जान चाहिए। मेरा नाम रवीना है। रवीना है। तो रवीना आप साक्षी की बहन हैं छोटी? नहीं, वो मेरी बुआ लगती है, मैं उसकी भतीजी लगती हूँ। आप उसकी भतीजी, मतलब भाई की लड़की को बीच रोड पर चाकू गोद कर मार देना, ये जैसे खसी बेना हलाल मनाई कराला वैसे उन्होंने हलाल कही। कहना चाहते वो लोग छुड़ाए नहीं, अगर काश उनके घर में होता ना तो लोग उनकी बहन बेटियां होती ना तब पता चलता। सही कह रही हो। अरे वो कुलन करा रहा है, एक मार धर है वो बात भाई, तब तो नहीं छोड़ा ना के वो बेटियां बने। क्या नाम है, क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम बदामा। तो आपकी क्या लगती थी साक्षी? हमारा नंद लगाई नहीं। आप साक्षी लड़की जो थी वो आपकी क्या लगती थी? नंद लगाई नहीं, गाँव का है। नंद आप उनकी भाभी है। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के सेहरा मऊ गांव में है, और अगर आपको बता देना कि साक्षी के मौत के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया है। अगर ऐसे में बात करें तो टीवी चैनलों पर लगातार साक्षी के मौत के बारे में जो है वो दिखाया जा रहा है। साहिल नामक एक युवक दिल्ली में साक्षी को चाकू घोप कर बीच रोड पर सरेआम मार देता है, और आपको इस प्रकार बताएं कि रोड पर आने जाने वाले जो यात्री थे वो सभी देख रहे थे और एक बिटिया की हत्या की जा रही थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं उसमें से निकला जो कि बिटिया को बचा ले। शर्मसार कर देने वाली ये घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी साक्षी के घर पर है, पैतृक निवास। उनके माता पिता दिल्ली में रहते थे और हम लोग उनके पैतृक निवास पर हैं। उनकी चाची जी आई हुई हैं और उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं, और हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और परिवार वालों की क्या मांग है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये साक्षी की बहन है, उनके चाची की लड़की है, पहले हम लोग इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है बिटिया आपका? है। कुसुम नाम है। अच्छा कुसुम नाम है। साक्षी आपकी क्या थी? चाची की लड़की थी मेरी। चाची की लड़की थी। हाँ जी सर। अच्छा ये बताइए कि साक्षी के मतलब आपके चाचा चाची जो थे वो दिल्ली में रहते थे और साक्षी भी रहती थी, आपका परिवार कहाँ पे रहता है? हमारा परिवार तो उसी जगह रहता है लेकिन काफी किलोमीटर दूर रहता है। आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी सर। अच्छा आप भी दिल्ली, आप दिल्ली से कब आई हैं? 28 तारीख को हम मतलब गाड़ी पकड़े हैं। हाँ। उसी दिन शायद ये घटना हुई है। अच्छा जिस दिन आप लोग गाड़ी पकड़े हैं उसी दिन ये घटना हुई है। ये आपको बता दें कि साक्षी की बहन है, ये भी दिल्ली में रहती हैं, नाम कुसुम है। ये बता रहे हैं कि जिस दिन हम लोग रात में गाड़ी पकड़े हैं उसी दिन ये घटना हुई है। अच्छा ये बताइए कि आप उनकी बहन हैं, है ना? आप उनकी बहन है तो साक्षी से आप मिलती जुलती भी होंगे? नहीं, बहुत कम मुलाकात होती थी क्योंकि दूर थे हम। हाँ, इस वजह से। अच्छा ये बताइए जो साहिल नाम का लड़का था, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट के मामले में ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनका वो था प्रेमी था, बहुत सारी बार उनसे मिल चुका था और फोन वगैरह करता था, ये कहाँ तक सत्य, ये आपको कैसा लग रहा है? नहीं सर, कि मुझे पता ही नहीं है ये सब। हाँ हाँ ये सब आपको पता नहीं है? नहीं सर, ये सब हमें पता नहीं है, हम तो न्यूज में देखे तब हमें पता लगा कि ऐसी बात हो गई। अच्छा जो साक्षी थी, साक्षी की उम्र कितना थी? अभी हाई स्कूल पास की थी ना? 16 साल की थी। अच्छा 16 साल की। हाँ जी सर। एक नाबालिग लड़की, आपको बता दे 16 साल की उम्र में उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, ये समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है, और ये साक्षी की बहन है, एक एक चीजें बता रही हैं। अच्छा ये बताइए जब आप गाड़ी में आ रही थी से सूचना मिली कि बहन की 5 बजे 29 तारीख को 29 तारीख को आप लोगों को सूचना मिली कि बहन की हत्या कर दी गई। हाँ जी सर। फिर उसके बाद परिवार वालों में क्या रिएक्शन हुआ? तो कोई भी देखेगा दुखित हो गई। हाँ जी सर। अभी उनके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? दिल्ली में है सर। अच्छा वो लोग दिल्ली में हैं। हाँ जी। यहाँ परिवार में कौन कौन आया है? उनकी चाची हैं बस। अच्छा, और बड़े पापा और हम सब हैं। अच्छा 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 ये बताइए कुसुम कि
जब वो लड़का इस प्रकार की वारदात किया है तो ये ऐसा कई खबरों में पता चला है कि साक्षी जो थी वो किसी अपने सहेली के घर पे रह रही थी, अपने घर पे नहीं रह रही थी, ये कहाँ तक सच्चाई? सर ये तो मैं नहीं जानती क्योंकि इतना मुलाकात होती नहीं थी हमसे। हाँ जी सर। अच्छा आप लोगों को शासन प्रशासन से मांग क्या है, क्या चाहती हैं? हम तो फांसी की सजा चाहते हैं सर, जैसे वो मरी है वैसे भी जान के बदले जान चाहिए बस। अच्छा बेटियां अपने देश में कितना सुरक्षित हैं? आप सुरक्षित नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमारे देश का कानून ही ऐसा है, कहीं भी जाने पे डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। कोई निकलने से डरते हैं, अब निकलेंगे नहीं तो पढ़ेंगी कैसे लड़कियाँ? बहुत सी लड़कियाँ हैं जॉब करने जाती हैं, कॉलेज जाती हैं और बहुत कुछ काम करने जाती हैं। आप क्या करती हैं दिल्ली में, पढ़ती हैं? हाँ जी सर, मैं क्लास में है, बीए मेरा फाइनल हो गया है। बीए फाइनल ही है। ये साक्षी की बहन कुसुम जी हैं जो कि एक एक चीजें बारीकियों से बता रही हैं, छोटी बहन जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीना है। रवीना है, तो रवीना आप साक्षी की बहन हैं छोटी? नहीं वो मेरी बुआ लगती है, मैं उसकी भतीजी लगती हूँ। आप उसकी भतीजी, मतलब भाई की लड़की है। हाँ। अच्छा आप भी दिल्ली में रहती हैं? नहीं मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, मेरा घर यहाँ पास में है, ये सामने है। अच्छा अच्छा, इसका बहन नहीं है। अच्छा अच्छा, इनकी छोटी बहन है। आप भी दिल्ली में रहती है बेटा? यस सर। अच्छा आप भी दिल्ली में, आगे आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि साक्षी के साथ जब आप मिलती थी तो मतलब कैसा उनका व्यवहार था? अच्छा था, व्यवहार था, वो थोड़ी ठीक ठाक भी थी, अच्छी थी, बात करने भी सही थी। तो इतनी बड़ी घटना घट जाती है, आप लोग सरकार से क्या चाहती हैं? कि उस लड़के को फांसी हो, चाहे जान के बदले जान। क्या नाम हो बेटा आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, किस क्लास में आप पढ़ती हो? नाइन्थ। अच्छा नाइन्थ में आप पढ़ती हो। अभी हम लोग अम्बेडकर नगर के सहरा मऊ, सहरा क्या नाम है गांव का? सहरा मऊ। सहरा मऊ है, सहरा मऊ हम लोग गांव में है और उनके साक्षी के परिवार वालों से एक एक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। का माता जी आप लड़की के क्या हैं? साक्षी की आप क्या लगती है? जी। अच्छा आपकी भतीजी लगती हाँ, है साक्षी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो बताइए माता जी ऐसे फांसी हो जाए और का हो जाए, सब बात में जैसे जान ले लें वैसे जान ले लें। अच्छा माता जी ये बताइए किसी लड़की को बीच रोड पर चाकू गोद कर मार देना, ये जैसे खसी बेड़ा हलाल मनाई कराला वैसे उन्होंने हलाल कही। अच्छा कितने लोग मारे थे माता जी? अब का जानी अक्का मिला, अकेला ही दिख रहा है। तो अकेले ही दिखाई दिया था साहिल। हाँ साहिल अकेला। हाँ वो अकेला दिख रहा था। अच्छा ये बताइए रोड पर बहुत लोग आ जा रहे थे लेकिन कोई छुड़ाया नहीं, इस पर समाज के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? वो लोग छुड़ाए नहीं, अगर काश उनके घर में होता ना तो लोग उनकी बहन बेटियां होती ना तब पता चलता। सही कह रही हूँ। अरे वो कुल करा रहा लो एक मार धर है वो बात भाई, तब तो नहीं छोड़ो ना के बेटिया। क्या नाम है, क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम बदामा। तो आपकी क्या लगती थी साक्षी? हमारा नंद लगाई नहीं। आप साक्षी हाँ। लड़की जो थी वो आपकी क्या लगती थी? नंद लगाई नहीं, गांव का है। अच्छा, नंद आप उनकी भाभी हैं? हाँ जी जी। कैसा व्यवहार था जब वो गांव आती थी, गांव यहाँ पे साक्षी आती थी तो कैसे लोगों से मेल मिलाप था? वो इसे अच्छी रहनी है। हाँ ठीक रहनी है। सरकार से आप लोग क्या मांग करती हैं चाची? बोली बाती में सब ठीक रहा ही नहीं। हमारे घर वहर बदखी बगल है, उनका यहाँ है, ये घर है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांगी, जब उनका जान चली गया तो वैसे जान का बदला उन्हों की जान जाए, जैसे मारे लिए जुड़ा जाए उन्होंने जल्द हो सके उतना जल्दी उसे फांसी हो, फांसी होए जितने जल्द से जल्दी फांसी हो, से दरिंदे को ना बहुत जल्दी फांसी होनी चाहिए। निर्भया जैसे कांड हो गया ना जी साक्षी के साथ। यस सर, जब तक साहिल जैसे दरिंदे रहेंगे सर में तब लड़कियां सेफ नहीं रह सकती। ऐसे साहिल जैसे लोग रहेंगे ना तो कभी भी बहन बेटियां सेफ नहीं रहेंगी। अच्छा साहिल मुस्लिम था और वो साक्षी को बताया था कि हम यादों हैं, ये कहां तक सच्चाई? सर ये तो हम भी नहीं जानते हैं, ये हम लोग ये वीडियो में बस सुने हैं, हमें लोग हमको भी नहीं पता था कि वो ये दिखावा कर रहा है, लेकिन है वो मुस्लिम, दिखावा कर रहा था वो हिंदू बन के। इसके हाथ में क्लावा था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। हाँ जी सर, यही सब वीडियो में दिखा रहा था।
आपको बता दें कि ऐसे पीड़ित परिवार में हैं और ये बहन हैं उनकी कुसुम जी, जो दिल्ली से ये भी आई हैं और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि हम परिवार में हैं, एक एक खबरें यहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है ये सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।